Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This video is very important. This video is made exclusively for FA2 exams. मैं ये वीडियो में भी पेरेंट्स के रिक्वेस्ट पे उर्दू में ही बात करूँगा और जो है मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि FA2 exams के बारे में कुछ सवाल थे पेरेंट्स के बारे में कि FA2 exams कैसे होगा. इंशाल्लाह 16 अक्टूबर से FA2 एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं और FA2 एग्ज़ाम के अंदर आपको क्या करना होगा, कैसे करना होगा. कुछ प्रॉब्लम्स जो हमको लास्ट FA1 एग्ज़ाम्स में आई थी वो उसके फीडबैक के हिसाब से हमने कुछ रिवाइज़ किया है हमारे पॉलिसीज़ को कि FA2 एग्ज़ाम्स में हम उसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं. तो आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें और FA2 एग्ज़ाम्स को कैसा लेना है और उसमें कैसा आपको बच्चों के साथ रहना है और क्या गाइडलाइंस फॉलो करने हैं इंशाल्लाह उसके बारे में मैं बताऊंगा. सबसे पहले इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि नर्सरी टू थर्ड के जिस तरह से हमने लास्ट टाइम किया था कि पेरेंट्स को क्वेश्चन पेपर्स हमने दिए थे तो उसी तरह इस बार भी नर्सरी टू थर्ड के पेरेंट्स से गुजारिश है कि वो अपने अपने ऑफिस अपने अपने ब्रांच के रिसेप्शन पर जाएँ और क्वेश्चन पेपर्स हासिल करें. ठीक है, क्वेश्चन पेपर्स आपको हॉल टिकट के साथ आपको मिल जाएंगे या आप जो है एग्ज़ाम से पहले आके क्वेश्चन पेपर्स ले लें और क्वेश्चन पेपर्स आप जब ले लेंगे तो आपको बच्चों को क्वेश्चन पेपर्स बताना नहीं है. याद रखिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये नर्सरी टू टेंथ सारों के लिए है क्योंकि ये पैंडमिक है और एग्ज़ाम्स लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हम इसका रिकॉर्ड मेंटेन करें. बच्चों को नेक्स्ट ईयर प्रमोट भी करना होता है तो एग्ज़ाम्स के मार्क्स के बेसिस पे ओवरऑल हमको असेसमेंट्स लेना होता है. तो ये पेरेंट्स से मैं गुजारिश करूँगा कि पेरेंट्स है ना बच्चों जब बच्चे जब एग्ज़ाम लिख रहे हैं तो उनके साथ बैठें आप प्लीज़, उनको अकेला ना छोड़ दें वरना वो चीट करेंगे या इधर उधर से देख के लिखने की कोशिश करेंगे. अब क्योंकि ये सिचुएशन कोरोना या लॉकडाउन या पैंडेमिक का सिचुएशन है तो उसमें हम पेरेंट्स का साथ चाहते हैं. पेरेंट्स से गुजारिश है कि आपके खुद के बच्चों की इम्प्रूवमेंट के लिए उनकी अच्छी आदत रहे उसके लिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि एग्ज़ाम में 1 आवर आप उनके साथ रहें. इंशाल्लाह आपकी निगरानी में एग्ज़ाम लिखेंगे तो बच्चे चीटिंग नहीं करेंगे. लेट देम गेट फेयर रिजल्ट्स. जो वो ईमानदारी से लिखते हैं उस हिसाब से उनको रिज़ल्ट मिलने दीजिए. क्योंकि देखिए एग्ज़ाम लेना इसलिए भी ज़रूरी है कि बच्चे बहुत ज़्यादा पेरेंट्स की ये कंप्लेन भी थी कि हॉलीडेज़ के अंदर लॉकडाउन के अंदर बहुत ज़्यादा गैजेट्स में इन्वॉल्व हो गए तो पढ़ाई की तरफ सीरियस नहीं हो रहे. तो एग्ज़ाम्स जब आते हैं तो बच्चे जो है सीरियस हो जाते हैं. तो मैं ये चाहता हूँ कि क्योंकि बच्चों का इसके अंदर फ़ायदा है तो पेरेंट्स भी इस फ़ायदे को समझें और बच्चों के साथ रहें. एग्ज़ाम लिखने के टाइम पे आप उनके साथ रहें, उनको अकेला ना छोड़ें. तो नर्सरी टू थर्ड ये बात याद रखें, नर्सरी टू थर्ड के लिए आप रिसेप्शन पे आके फिज़िकल क्वेश्चन पेपर से आप लेके जाएं और आपके पास टाइम टेबल भी है तो जिस दिन टाइम टेबल जिस टाइम एग्ज़ाम होगा उसी दिन आप उनको क्वेश्चन पेपर ऑन टाइम जिस दिन ऑनलाइन क्लास का टाइम होगा तो टीचर भी कैमरे के सामने रहेंगे, आप भी जूम मीटिंग ज्वाइन कर लें और जो है उसके सामने आप बच्चों के साथ बैठ के एग्ज़ाम लें. उसी टाइम जैसा मीटिंग शुरू होती है टीचर की क्लास शुरू होती है उसी टाइम पे आप बच्चों को क्वेश्चन पेपर दें. इससे पहले आप बच्चों को क्वेश्चन पेपर ना बताएं, ये आपसे रिक्वेस्ट है. वैसा ऐसा करेंगे तो इंशाल्लाह फेयर रिजल्ट्स हमको मिलेंगे. ये हो गई नर्सरी टू थर्ड की बात. 4 to 10 के लिए हमने लास्ट टाइम ये किया था कि क्योंकि आपको पता है FA इज 20 मार्क्स तो 10 मार्क्स हमने सब्जेक्टिव लिया था फिजिकल एग्ज़ाम पेन पेपर एग्ज़ाम और 10 मार्क्स ऑब्जेक्टिव का लिया था जो हमने लिंक शेयर की थी ऑनलाइन. बच्चों ने लिंक ओपन की और एग्ज़ाम्स लिखा, उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे तो इस बार हमने थोड़ा सा इसका फॉर्मेट चेंज किया है. हमने ये किया है कि 20 मार्क्स की जगह पे हम अब लेंगे 14 मार्क्स का एग्ज़ाम और 6 मार्क्स आपको आपके दूसरे चीज़ों के लिए अवॉर्ड किए जाएंगे. तो 14 मार्क्स का आपका फिजिकल आपको पेन पेपर एग्ज़ाम होगा, आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों रहेंगे. 6 मार्क्स में से आपको 2 मार्क्स आपके वर्कशीट कंप्लीशन पे मिलेंगे, 2 मार्क्स आपके जो है आप क्लास वर्क होमवर्क जो मेंटेन करते हैं, आप बराबर होमवर्क करते हैं क्लास वर्क किस तरह से मेंटेन किए उस बिना पर आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे और 2 मार्क्स आपको डिसिप्लिन हाउ डू यू कैरी योर सेल्फ इन ऑनलाइन क्लास, किस तरह से आप क्लास में इंटरेक्ट करते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, कैमरा बंद कर देते हैं खोलते हैं
इसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो ये 6 मार्क्स हमने ये एक्स्ट्रा करिकुलर के हमने जोड़े हैं, तो 14 मार्क्स का रिटर्न एग्जाम होगा, बच्चों को क्वेश्चन पेपर शेयर किया जाएगा, क्योंकि 4 to 10 बड़े बच्चे हैं, हम क्वेश्चन पेपर आपको स्क्रीन पर शेयर करेंगे। आपकी जब क्लास का टाइम होगा, जो आपका अलॉटेड टाइम है, जो रोज़ आप क्लास अटेंड करते हैं, वो टाइम पर आप ऑनलाइन आ जाएँ, टीचर आपको क्वेश्चन पेपर स्क्रीन पर शो करेंगे, आप क्वेश्चन लिख लें, उसके आंसर्स लिख लें, और वो 14 मार्क्स का एग्जाम होगा। 6 मार्क्स का आप ब्रेकअप समझ जाएं कि 6 मार्क्स में से 2 मार्क्स आपको बिहेवियर के आपके मिलने हैं, 2 मार्क्स आपको वर्कशीट के मिलेंगे, आपको 2 मार्क्स क्लास वर्क और होमवर्क कंप्लीशन के मिलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लें। तो ये हो गया 4 to 10 का, नर्सरी टू थर्ड का आपको आपके पेरेंट्स आना है और क्वेश्चन पेपर ऑफिस से लेके जाना है और आपकी निगरानी में लिखाना है। और 4 to 10 के बच्चों का क्वेश्चन पेपर ऑनलाइन शो होगा क्लास के टाइम पे। इसमें भी मैं पेरेंट्स से खास तौर से गुजारिश करूँगा कि आप है ना अपने बच्चों के साथ रहें, क्योंकि बड़े बच्चे हैं, वो जानते हैं कि किस तरह से चीटिंग करना है। तो टू अवॉइड दैट चीटिंग, टू अवॉइड मिसयूज ऑफ यू नो ऑनलाइन क्लास, पेरेंट्स से गुजारिश करता हूँ कि एग्ज़ाम के टाइम पर बच्चों के साथ रहें, आपकी निगरानी में एग्ज़ाम लिखा है ताकि हमको फेयर रिजल्ट्स मिल सके। ये 2 अहम जो है आप चेंजेस थे जो मैंने आपको बता दिए। दूसरा ये है कि जब आप एग्ज़ाम्स लिखते हैं तो प्लीज़ राइट ऑन A4 साइज पेपर। आप कोई बुक का, लॉन्ग बुक का पेपर फाड़ के लिख रहे हैं, कोई आप शॉर्ट बुक में से या कोई भी पेपर फाड़ के लिखेंगे तो डज नॉट लुक गुड। हम लोग उसको फाइल करते हैं, फाइल में अच्छे से A4 साइज पेपर रहेंगे तो जो है फाइल आपकी, आपका रिकॉर्ड सही से मेंटेन होगा। तो आप लोग A4 साइज का बंडल ख़रीद लें, आपको 150, 170, 180 में कुछ मिल जाता है, वो हमेशा आपको पूरे FA1, FA2, FA3, FA4, FA7 सारों में काम आएगा। तो आप A4 साइज में लिखें और एग्ज़ाम लिखने से पहले प्लीज़ मेंशन सारे बच्चों के लिए, नर्सरी टू टेंथ में के लिए सारे पेरेंट्स ये चेक करें, टीचर्स भी चेक करेंगी कि बच्चों का नाम होना चाहिए हेडिंग में, नेम, क्लास, ब्रांच और सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है। तो ये 4 चीज़ें ज़रूर मेंशन करें। मार्जिन्स आप डालें, क्योंकि जब हम फाइलिंग करते हैं तो बच्चे बिल्कुल कॉर्नर से लिखते हैं तो फाइलिंग के अंदर वो सारा चला जाता है। तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू पुट मार्जिन्स प्रॉपर, लेफ्ट साइड मार्जिन, राइट साइड मार्जिन, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, वो आप डाल के पहले से आप रेडी रखें ताकि आपका पेपर नीट रहे। मेंटेन गैप बिटवीन 2 लाइंस, मेंटेन यू नो 1 फिंगर स्पेस बिटवीन 2 वर्ड्स, ये सारे बेसिक चीज़ें जो आपको हमेशा टीचर्स बताते रहते हैं। इस बार घर में भी जब आप एग्ज़ाम लिख रहे हैं तो आप ये चीज़ मेंटेन करें, बच्चों को, पेरेंट्स से गुजारिश है कि बच्चों को ये सारी चीज़ें मेंटेन कराएं। दूसरा अहम इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आई होप सब लोगों ने स्कूल HIS ऐप डाउनलोड कर लिया होगा। तो जब आप HIS ऐप डाउनलोड कर लिए हैं तो एज़ सून एज़ यू फिनिश एग्ज़ाम, जैसे आपका एग्ज़ाम ख़त्म होता है तो उसका स्नैप ले लें और उसका क्रॉप कर लें, क्योंकि जब आप स्नैप लेते हैं तो अदर अननेसेसरी चीज़ें भी, बैकग्राउंड इमेज आ जाती है, तो उसको आप क्रॉप कर लें, क्योंकि 2 MB एक्सेप्ट करता है। तो आपको ये करना है कि ऐप खोलना है, उसमें असाइनमेंट सेक्शन में जाना है, असाइनमेंट में सेक्शन में जाकर सबमिट नाउ बटन करना है। सबमिट नाउ करेंगे तो आपको आपका पेपर अपलोड हो जाएगा। तो हर एक साइट का अलग अलग स्नैप ले लें और अलग 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 आप सारा अपलोड कर ले, या जैसा आपको इससे पहले बताया गया वैसे अपलोड कर ले, बट मेक श्योर दैट साइज इज़ ओनली 2 MB, ठीक है। अगर वो नहीं आ रहा है तो आप उसको क्रॉप करके भेज सकते हैं, थोड़ा क्वालिटी कम करके क्रॉप करके आप उसको आसानी से भेज सकते हैं। तो सारे बच्चों का नर्सरी टू 10 जैसा ही एग्ज़ाम हो जाएगा, इमिडिएटली एट द एंड ऑफ द एग्ज़ाम विदिन 5-10 मिनट्स आपको वो पेपर असाइनमेंट सेक्शन में अपलोड कर लेना है, टीचर्स चेक कर लेंगे उसको, ठीक है। और दूसरा एक अहम बात यह है कि पेरेंट्स जो है बच्चों के साथ ही रहेंगे, तो मैं आपको ये बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ कि हम लोगों ने FA1 में नोट किया है कि अलग अलग राइटिंग है एग्ज़ाम आंसर शीट्स पे, कभी पेरेंट्स शायद लिख रहे हैं या उनके कोई बड़े भाई लिख रहे हैं, तो ये इससे किसका नुकसान है, इससे बच्चे का ही नुकसान है, उसकी आदत ख़राब हो रही है, ठीक है। आज आप उसको हेल्प कर देंगे लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम्स में जब डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम्स होंगे उसमें उसको कौन हेल्प करेगा, ठीक है। तो हम लोग ये चीटिंग को अवॉइड करना चाह रहे हैं, इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। और मेक श्योर कि ये आप इमीडिएटली उसको अपलोड कर दें, और जैसे आपके सारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाते हैं लास्ट एग्ज़ाम के दिन, मैं पेरेंट्स से गुजारिश करता हूँ कि वो सारे पेपर्स को जमा करें और ऑफिस पे रिसेप्शन पे लाकर जमा करा दे। अगर लास्ट एग्ज़ाम के दिन नहीं आ पा रहे हैं तो उसके बाद के दिन इमीडिएटली एग्ज़ाम के नेक्स्ट डे
आप आके सारे पेपर्स फिजिकली आप जमा करा दें ताकि टीचर्स करेक्शंस कर सके और फिर हम लोग रिजल्ट्स डिक्लेयर कर सके. थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैरा फॉर लिसनिंग. प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल सो दैट यू कैन गेट द अपडेट्स रेगुलरली. दूसरा, अगर आपको कुछ डाउट है तो आपके रिसेप्शन पे नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं. प्लीज़ मेक श्योर दैट यू टेक हॉल टिकट्स. विदाउट हॉल टिकट्स एग्जाम्स कैनॉट हैपन. थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैरा.